फ्रेंड्स, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने सर्कल बनाना सीखा, सेकंड पार्ट में ये फेदर बनाना सीखा एंड अब थर्ड पार्ट में ये बॉडी बनाना सीखेंगे पीकॉक की। बहुत इजी है। इस बॉडी का जो ये शेप है, मैंने ड्रॉ करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। यहाँ से तो टोटल 13 रो का बनकर रेडी हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है, बॉटम पार्ट से की है। 1 2 3 क्रोकोडाइल स्टिच का बना हुआ है पूरा, तो 1 2 3 क्रोकोडाइल स्टिचेस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, टोटल 13 रो हैं। तो फर्स्ट में हमारी 3 है, सेकेंड में 4 है, इंक्रीज होता गया है, थर्ड में 5 है, फोर्थ रो में है हमारी 6 है, 5 में 7 है, अब यहाँ पे फिर हमारा डिक्रीज हुआ है 1 6 है, 6 नंबर की रो में 6 है, यहाँ से समझ लें आप थोड़ा। फिर हमने इंक्रीज किया है 7 है, थोड़ा सा ये शेप देने के लिए 7 6 7 यहाँ पे। उसके बाद हमने कंटिन्यू डिक्रीज किया है 6 5 4 3 2 2, यहाँ से 6 5 4 3 2 2, यहाँ तक हमने पूरा बना के कंप्लीट किया है, ये ड्रॉ है सी का। अब उसके बाद हमने हेड का शेप दिया है, ये कैसे बनाना है बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसको इंक्रीज कैसे करना है एंड इसको फिर यहाँ से डिक्रीज कैसे करना है, फिर इसकी नेक लाइन कैसे बनानी है, ये आज पूरा बनाना सीखेंगे। पीकॉक की बॉडी हम येलो कलर से बनाना सीखेंगे, क्योंकि ब्लू कलर से वीडियो क्लियर नहीं आएगा, इसलिए हम लाइट कलर से ही बनाना सीखेंगे, आप ब्लू कलर से बनाएंगे। सबसे पहले हमें नॉट लगानी है, और वुल लिया है हमने 2-ply वुल है, हुक नंबर है हमारा 3.0 mm, 11 नंबर का क्रोशेट हुक से भी आप बना सकते हैं। चैन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, तो हमने 17 चैन बनाई। 17 चैन बनाने के बाद 1 2 3 4 स्किप करके 1 2 3 4 5 में लेना है हमें डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 1 एंड 2 डबल क्रोशेट है, देखिए 1 2 3 4 ये चैन है, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है, ये 2 डबल, तो 1 2 डबल क्रोशेट, चैन 1, स्किप 2 स्टिच, 1 2 थर्ड में लेंगे डबल क्रोशेट। थर्ड में डबल क्रोशेट लेंगे, चैन 1, चैन 1 लिया हमने, स्किप 2 स्टिच, 1 एंड 2 थर्ड में लेंगे डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट 1 एंड सेम स्टिच में ही लेना है डबल क्रोशेट, चैन 1, स्किप 2 स्टिच, 1 2 थर्ड में लेंगे डबल क्रोशेट, चैन 1, स्किप 2 स्टिच, 1 2 थर्ड लास्ट स्टिच है, यहाँ पे लेना है डबल क्रोशेट 1 एंड सेम स्टिच में ही लेंगे डबल क्रोशेट 2। अब हमें वर्क को टर्न करना है, अब हमारी स्टिच बनना स्टार्ट हो जाएगी क्रोकोडाइल स्टिच, 3 चैन लेना है 1 2 3, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशेट है।
अब ये जो टू डबल क्रोशेट है यहाँ पे हमने बनाया था वन टू, तो फर्स्ट स्टिच है डबल क्रोशेट की, देखिए कैसे लेना है, यहाँ से इन साइड से लेंगे, ऐसे हुक लेंगे, यहाँ से लेना है, डबल क्रोशेट बनाएंगे टू, थ्री चैन भी काउंट करेंगे तो वन टू डबल क्रोशेट, थ्री फोर एंड फाइव, फाइव डबल क्रोशेट चैन वन। अब यहाँ से हमें ऐसे टर्न करना है, ये देखिए अब ये डबल क्रोशेट है, टू डबल क्रोशेट थे फर्स्ट में, हमने फाइव डबल क्रोशेट बनाए, अब सेकेंड डबल क्रोशेट है, ध्यान से देखना है, यहाँ से हमें इस साइड से इन करना है, जो ये वन डबल क्रोशेट यहाँ पे, यहाँ से इन करेंगे, यहाँ से ये ब्लॉक है वन चैन स्पेस का, इस साइड से हमें ऐसे इन करना है, यहाँ से ऐसे लेना है, ये देखिए फाइव डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू, ये देखिए ऐसे उठाते हुए, थ्री फोर एंड फाइव, फाइव ये हमारी वन स्टिच क्रोकोडाइल की है, बन गया हाफ फाइन बन गया। अब ये जो हमारा वन डबल क्रोशेट है यहाँ पे लेना है स्लिप स्टिच, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ली, ये लॉक किया यहाँ पे, तो देखिए तो ये हमारा फ्रेंड बन गया। अब इस साइड भी देखिए ध्यान से, अब यहाँ से ये टू डबल क्रोशेट है, जैसे इस साइड बनाया था हमने तो फर्स्ट वाले से पहले हमें बनाना है, फिर से देखिए ध्यान से, फर्स्ट से उठाना है, ऐसे फ्रंट से उठाएंगे तो इसको इस साइड से उठाएंगे, ये देखिए ऐसे उठाया हमने, यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशेट वन टू थ्री फोर फाइव चैन वन। अब यहाँ से टर्न होना है हमें, ये राउंड शेप में आना है तो इस साइड से उठाएंगे। अब ये जो स्टिच है यह देखिए यहाँ से मैंने इसीलिए येलो कलर से दिखाया है बना के समझ में आ जाए, ये देखिए यहाँ से ऐसे इन करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, तो ये लूप लिया हमने। अब हमें डबल क्रोशेट लेते हुए यहाँ से उठाना है, ये देखिए फ्रंट से बैक साइड से उठाना, पीछे से उठाना, यहाँ से लेना है डबल क्रोशेट वन टू थ्री फोर एंड फाइव, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे समझ में आ जाना है। ये देखिए ये हमारा हाफ फैन बन गया, ये देखिए यहाँ से फाइव डबल क्रोशेट बनाए। अब ये डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हमें लेना है स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच से फैन को लॉक करना है, ये हमने लॉक किया। अब ये टू डबल क्रोशेट यहाँ पे है, सेम बनाना है हमें, तो फर्स्ट पहले हमें इस साइड से बनाना है, ये देखिए यहाँ से, तो ये वन डबल क्रोशेट है टू, तो फर्स्ट जो यहाँ से इन साइड से है बनाएंगे, पहले यहाँ से उठाते हैं फ्रंट से, डबल क्रोशेट वन टू थ्री फोर एंड फाइव चैन वन, चैन वन लिया हमने। अब सेकेंड है स्टिच है हमारी डबल क्रोशेट की ये वाली, तो हमको इसको ये देखिए यहाँ से उठाना है, यहाँ से पीछे से लेंगे इसके, यहाँ से फ्रंट से ही उठाना है, बैक साइड से फाइव डबल क्रोशेट वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये थ्री हमारे क्रोकोडाइल स्टिच के थ्री फैन बनकर रेडी हो गए, ये देखिए राइट साइड से, ये देखिए वन टू एंड थ्री बनकर रेडी हो गए। अब फोर चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे, देखिए अब ऐसे हमें टर्न करना है, तब इस लाइन पे बनाएंगे, तो सेम स्टिच में ही हमें लेना है
डबल क्रोशेट। अभी हमारे 1 2 3 स्टिचेस हैं क्रोकोडाइल की, 1 2 3 बनकर रेडी हुए फैन। अब हमारे 4 बनेंगे, तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशेट लिया सेम स्टिच में, चैन 1। अब ध्यान से देखना यहाँ पे इस पॉइंट में, अब यहाँ पे ये देखिए ये सेंटर है, इन दोनों के बीच में लेना है डबल क्रोशेट, चैन 1। अब जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ली थी, ये देखिए इन दोनों के बीच में ये डबल क्रोशेट था, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ली थी, तो यहाँ पे लेना है हमें डबल क्रोशेट 1। अब इन दोनों के बीच में 1 बनेगा, एक एक इस पॉइंट में बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, फैन बनेगा। तो डबल क्रोशेट 1 एंड सेम स्टिच में लेंगे डबल क्रोशेट 2, 1 फैन 2। अब यहाँ पे डबल क्रोशेट, यहाँ पे 1 2 3 पहले बना, अब हमारे 4 बनेंगे, चैन 1। अब यहाँ पे हमें लेना है, ये देखिए यहाँ पे सेंटर में लेना है डबल क्रोशेट, चैन 1। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ली थी, यहाँ पे हमें बनाना है डबल क्रोशेट 1, सेम स्टिच में ही डबल क्रोशेट। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशेट लिए, 1 2, चैन 1। अब इस पॉइंट में हमें लेना है डबल क्रोशेट, ये देखिए चैन 1। अब यहाँ पे ये 3 चैन है, 1 2 3 लास्ट चैन में लेना है हमें डबल क्रोशेट 1 एंड सेम स्टिच में ही लेंगे डबल क्रोशेट 2। अभी हमारे 1 2 3 बनकर रेडी हुए, अब बनेंगे ये देखिए 1 2 3, अब बनेंगे हमारे देखिए यहाँ से, फर्स्ट यहाँ पे बनेगा 1 2 3 एंड 4, जहाँ पे हमने 2 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं वहाँ पे हमारी स्टिच बनेगी, 1 2 3 एंड 4। बनाना स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाना है, 3 चैन। अब वर्क को टर्न करेंगे, देखिए फिर से एक बार ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। तो ये डबल क्रोशेट है, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशेट है, पहले हमें यहाँ से लेना है, ये देखिए फ्रंट से उठाएंगे, ऐसे फ्रंट से लेना है, तो हमारा 1 डबल क्रोशेट है 3 चैन, डबल क्रोशेट 2, 3 4 5, चैन 1, चैन 1 लिया हमने। अभी देखिए यहाँ से आएंगे ऐसे, अब ये वाली स्टिच से बनाएंगे, तो हमको तो हमें इस साइड से इन करना है, यहाँ से इन करेंगे ऐसे, यहाँ से इन करके बनाएंगे, चैन 1 लिया हमने, डबल क्रोशेट लेंगे, अब हमने इन करना है इस साइड से, तो देखिए यहाँ से इन करेंगे, ये देखिए उठाया हमने यहाँ से, 5 डबल क्रोशेट लेंगे, डबल क्रोशेट 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए फर्स्ट हमारा फैन बनकर रेडी हो गया, 5। अब ये डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है, स्लिप स्टिच ली हमने। अब सेम हमें इस पॉइंट में भी बनाना है, फर्स्ट यहाँ से लेंगे, 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, चैन 1। अब देखिए तो ये जो सर्कल है हमारा ऐसे आना है, तो ऐसे घूम के आना है, तो हमको यहाँ से इन करना है, ऐसे बनाना है, डबल क्रोशेट लिया हमने, अब हमको ऐसे इन करना है यहाँ से ऐसे, 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 बनकर रेडी हो गए। अब ये डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हमें सिंगल स्लिप स्टिच से लॉक करना है, ये लॉक किया,
ये देखिए सेम यहाँ पे भी बनाना है और यहाँ पे भी बनाएंगे, तो ये दोनों हम बना के पहले कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने थर्ड भी बना के कंप्लीट किया, तो एक बार लास्ट में फिर से बता दूँ कैसे बनाना है आपको, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ की लास्ट में भी बनाना है कैसे, तो पहले हमें फर्स्ट वाली स्टिच से बनाना जो इनसाइड है, तो ये वाली स्टिच से बनाएंगे पहले हमें 5 डबल क्रोशेट। तो हमने लॉक किया स्लिप स्टिच से, अब हमें ये देखिए यहाँ से बनाना है, ऐसे फ्रंट पर डबल क्रोशेट होता है जैसे, वैसे ही हमें उठाना है। तो ये डबल क्रोशेट है, ये देखिए डबल क्रोशेट है, 1 एंड 2 1 2। तो जो 1 है पहले, जो इनसाइड हमारी 1 है इससे बनाएंगे। 5 डबल क्रोशेट लेंगे उठाते हुए फ्रंट से, 1 2 3 4 5, चैन 1। अब देखिए लास्ट स्टिच है ये डबल क्रोशेट की ही इसी की, तो हमको यहाँ से लेना है, ऐसे घूमना है और ये पूरा बैक साइड से उठाना है, ऐसे यहाँ से लेना है, यहाँ से उठाना है। डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने 5 डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट किए यहाँ से भी। तो हमारे अब बन गए 1 2 3 4 4 5 बनकर रेडी हो गए। देखिए 1 2 3 4 चैन। अब हमारी सेम स्टिच में ही लेना है डबल क्रोशेट। अब हमारे 4 बने थे, अब 5 बनेंगे। डबल क्रोशेट लिया सेम स्टिच में, अब इस पॉइंट में हमें चैन 1 लेना है। अब ये फैन स्टिच है हमारा फोर्थ वाला, यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे लेना है डबल क्रोशेट, चैन 1। अब जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ली थी, ये देखिए ये डबल क्रोशेट है हमारा, स्लिप स्टिच ली थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लेना है हमें डबल क्रोशेट, चैन 1। अब इन दो स्टिच के बीच में, सॉरी चैन 1 नहीं लेंगे, अब इन दो स्टिच के बीच में हमारा बनेगा, अब हमारा एक फैन यहाँ पे बनेगा, एक फैन यहाँ पे बनेगा, सेम स्टिच में लेना है डबल क्रोशेट। जहाँ पे स्लिप स्टिच है वहीं पे हमारा फैन बनकर रेडी होगा, चैन 1। अब यहाँ पे हमें लेना है, देखिए यहाँ पे सेंटर है ये फैन का, यहाँ से तो डबल क्रोशेट लेना है, चैन 1। अब जहाँ पे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच ली थी, अब एक फैन यहाँ पे रेडी होगा, तो डबल क्रोशेट लेंगे, 1, सेम स्टिच में ही डबल क्रोशेट, 2, चैन 1। यहाँ पे अब हमें डबल क्रोशेट लेना है, चैन 1। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच थी, तो यहाँ पे इस प्लेस पे हमें लेना है डबल क्रोशेट, 1, सेम स्टिच में ही डबल क्रोशेट, 2, चैन 1। इस पॉइंट में हमें डबल क्रोशेट लेना है, चैन 1 एंड 1 2 3। थर्ड चैन में हमें लेना है डबल क्रोशेट, 1, सेम स्टिच में ही लेंगे डबल क्रोशेट, 1, पहले हमारे बने थे 1 2 3 हैं, फिर है उसके बाद इंक्रीज हुआ 1 1 2 3 4 हो गए, अब फिर 1 इंक्रीज होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 फैन बनकर रेडी होंगे। समझ में आ रहा होगा कैसे बनाया है, तो जहाँ पे हमारे स्लिप स्टिच हैं, स्लिप स्टिच से लॉक किया है फैन को, वहीं पे हमारी फैन स्टिच बननी है। ये देखिए, तो 5 बना के रेडी करेंगे, उसके बाद 6 बनेंगे, फिर 1 इंक्रीज होगा तो 6 बनाएंगे, फिर 7, तो 7 तक बना के पहले हम कंप्लीट करेंगे। इंक्रीज कैसे करना है, ऐसे ही करना है जैसे भी बताया हुआ है, तो हम 7 तक पहले बना के कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन तक इंक्रीज करते हुए बना के कंप्लीट किया। अब सेवन के बाद हमारे बनेंगे 6 वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें इस पॉइंट पे नहीं बनाना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब हमको चैन वन लेते हुए ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन किया था, ये यहाँ पे बनाएंगे फर्स्ट डबल क्रोशेट। अब स्टिच हमारी यहाँ पे बनेगी क्योंकि हमें 6 बनाना है। अब एक कम हो जाएगा, 1 डबल क्रोशेट सेम स्टिच में लेंगे, 2 डबल क्रोशेट, चैन 1, नेक्स्ट स्टिच यहाँ पे लेंगे, ये देखिए जो ये फैन बना हुआ है तो सेंटर में लेना है हमें डबल क्रोशेट, चैन 1, नेक्स्ट स्लिप स्टिच यहाँ पे लिया था यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट, 1, 2, चैन 1 डबल क्रोशेट, चैन 1, नेक्स्ट ये डबल क्रोशेट है स्लिप स्टिच बनाया था यहाँ पे, यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 एंड सेम स्टिच में ही डबल क्रोशेट 2, चैन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, चैन 1, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, स्लिप स्टिच का पॉइंट है ये, 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट सेम स्टिच में, चैन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, चैन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 एंड 2 सेम स्टिच में बनाएंगे, चैन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, चैन 1, नेक्स्ट इस पॉइंट में बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 एंड 2, चैन 1। अब इस पॉइंट को यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन किया हमने, ये देखिए तो टोटल यहाँ पे हमारी स्टिच बनेगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे बनेगी। वर्क को टर्न करेंगे, 1, 2, 3, 4 चैन लेंगे एंड अब हमें स्टिच बनाना है, फैन बनाएंगे तो डबल क्रोशेट है हमारा 1 यहीं से उठाएंगे। अब यहाँ पे बनने की स्टिच 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 थ्री चैन भी काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 चैन 1। अब इस साइड से बनाएंगे, यहाँ से आएंगे, ये देखिए यहाँ से टर्न लेंगे, ये ऐसे इन करेंगे। अब यहाँ से हमें बनाना है डबल क्रोशेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये देखिए 5 डबल क्रोशेट बनाए। अब हमारे यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे 7 थे, अब हमारे यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो कैसे बनाना है समझ में आ रहा होगा, अभी तक जैसे बनाया आपने वैसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशेट है, ये डबल क्रोशेट का पॉइंट है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल हम पूरे बना के पहले हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ तक बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरे 6 बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखो टोटल हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना के कंप्लीट किए। अब यहाँ पे ये देखिए 6 है लास्ट है,
अब यहाँ पे ये वन चैन लिया था हमने, वन टू थ्री, यहाँ से हमें ज्वाइन लेना है स्लिप स्टिच से, वन टू थ्री फोर, फोर चैन, वर्क को टर्न किया, सेम स्टिच में ही हमें बनाना है। अब हमारे सिक्स है, अब फिर हमें सेवन बनाने हैं, तो सेम स्टिच में ही लेना है डबल क्रोशे। मैंने आपको ड्राइंग करके बताई थी कि कैसे बनाना है, तो आप वहाँ से भी देख लें। तो पहले सेवन थे, सिक्स, अब फिर सेवन होंगे, सेवन सिक्स सेवन, सेंटर पॉइंट में बनाना है हमें। अब हमारे सेवन बनेंगे, अब यहाँ पे एक इंक्रीज होगा। तो यहाँ फर्स्ट में बनाया हमने, देखिए यहाँ पे डबल क्रोशेट लिया, टू चैन वन, इस पॉइंट, ये पॉइंट है, देखिए ये स्टिच है, यहाँ पे लेंगे डबल क्रोशेट, चैन वन। अब यहाँ भी बनेगी स्टिच हमारी एक, तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लिया था, डबल क्रोशेट वन एंड टू, चैन वन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, चैन वन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट वन एंड टू, सेम स्टिच में ही लेना है, चैन वन, नेक्स्ट स्टिच, ये पॉइंट है सेंटर का, यहाँ पे लेना है डबल क्रोशेट, चैन वन, स्लिप स्टिच का पॉइंट है यहाँ पे, लेना है डबल क्रोशेट टू लेंगे, वन एंड टू, चैन वन, डबल क्रोशेट, चैन वन, यहाँ पे स्लिप स्टिच है तो लेंगे, हमें लेना है डबल क्रोशेट टू लेंगे, वन एंड सेम स्टिच में ही लेना है टू, चैन वन, डबल क्रोशेट, चैन वन, डबल क्रोशेट वन एंड टू, चैन वन, डबल क्रोशेट, चैन वन। अब यहाँ पे देखिए कितने हो गए हमारे, वन, ये टू डबल क्रोशेट फर्स्ट में बनाने, तो यहाँ पे एक स्टिच बनेगी, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये सिक्स बनाए हमने। अब यहाँ पे एक बनाना है, इंक्रीज होना है एक, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में वन टू थ्री, थर्ड चैन है यहाँ पे, वन टू थ्री, थर्ड सेकेंड में बनाएंगे हमें, डबल क्रोशेट वन एंड टू, टोटल सेवन बनकर रेडी होंगे यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है, थ्री चैन लेते हुए, थ्री चैन, वर्क को टर्न किया, अब हमें यहाँ इस फर्स्ट वाली स्टिच है इसमें बनाना है, सेम बनाएंगे, फोर डबल क्रोशेट, वन टू थ्री फोर, थ्री चैन भी काउंट करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव, चैन वन, ऐसे घुमाते हुए आएंगे। अब हमें हाफ सर्कल बनाना है, कंप्लीट करना है, ये है डबल क्रोशेट, यहाँ से इनसाइड से लेंगे, ऐसे बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, स्लिप स्टिच, ये देखिए यहाँ से हमारे टोटल सेवन बनेंगे, वन कंप्लीट किया हमने, टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ये पूरे बना के हम पहले फाइन स्टिच कंप्लीट करेंगे अपने। तो देखिए हमने सेवन बना के कंप्लीट किए, अब सिक्स बनेंगे, फिर फाइव बनेंगे, फोर थ्री टू, अब डायरेक्ट हमें डिक्रीज करते हुए शेप देना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बना के कंप्लीट किए।
चैन वन, चैन वन लेंगे। अब यहाँ से हमें एक इस पॉइंट में लेंगे डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट वन, एंड अब यहाँ पे जो स्लिप स्टिच थी एक यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमारी वी स्टिच बन गई, टू डबल क्रोशेट है, वन एंड टू। लास्ट में एक हमारा यहाँ पे बनेगा फैन स्टिच इस पॉइंट में। ध्यान से देखें, डिक्रीज करना है क्योंकि हमें यहाँ से नेक्स्ट वन चैन, तो ये हमारे टू डबल क्रोशेट है, वन चैन नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट, वन चैन नेक्स्ट स्लिप स्टिच का, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ली थी, वन डबल क्रोशेट है, टू डबल क्रोशेट लेंगे, वन एंड टू सेम स्टिच में ही लेंगे, वन टू चैन वन नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट, चैन वन नेक्स्ट स्टिच टू डबल क्रोशेट, जहाँ पे स्लिप स्टिच है वहाँ हमें टू डबल क्रोशेट ही बनानी है। वी स्टिच टू डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच चैन वन डबल क्रोशेट, चैन वन नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हमें टू डबल क्रोशेट बनाने हैं, वन टू चैन वन नेक्स्ट स्टिच वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच चैन वन लेते हुए डबल क्रोशेट वन टू चैन वन नेक्स्ट स्टिच वन डबल क्रोशेट चैन वन। काउंटिंग करेंगे कितने हैं हमारे बन गए, तो फर्स्ट वी स्टिच है ये, डबल क्रोशेट टू है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, हमें सिक्स बनाने हैं, लास्ट सिक्स बनाएंगे। चैन वन लिया हमने, अब यहाँ पे ये सिंगल डबल क्रोशेट है, स्लिप स्टिच बनाया था इस साइड से, ये डबल क्रोशेट है, यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशेट वन, जैसे हमने इस साइड बनाया था अभी, सेम हमें इस साइड भी बनाएंगे, डबल क्रोशेट वन एंड इस पॉइंट में डबल क्रोशेट वन लेंगे। तो एक वी स्टिच हमारा, टू डबल क्रोशेट ये हैं, वन टू, एंड इस साइड भी वन एंड टू हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, थ्री चैन, वर्क को टर्न करते हुए थ्री चैन बनाएंगे, थ्री चैन। अब एक इस पॉइंट में बनना है, ये हमारा वी स्टिच है, ये देखिए, तो फर्स्ट यहाँ से बनेगा, इस पॉइंट से डबल क्रोशेट वन, थ्री चैन भी काउंट करेंगे, टू डबल क्रोशेट वन टू थ्री फोर एंड फाइव चैन वन। यहाँ से टर्न करते हैं, इसे घुमाते हुए आएंगे, राउंड शेप में लाना है, तो हमें इस साइड से बनाना है, तो ये स्टिच है, यहाँ पे बनाएंगे एक ये वाली स्टिच है, तो ये देखिए बैक साइड से आएंगे, जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, तो यहाँ से लेना है हमें, इसको ऐसे लेंगे, ये देखिए, अब यहाँ से डालेंगे, ये इन किया इस साइड से हमने, डबल क्रोशेट बनाएंगे वन, टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव डबल क्रोशेट। यहाँ पे अब हमें स्लिप स्टिच लेना है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक यहाँ पे हमारा ये बन के रेडी हुआ, यहाँ सेम यहाँ पे भी बनाना है हमें, तो ये बना के पहले अभी जैसे बनाए हैं वैसे बना के हमें कंप्लीट करना है, लास्ट में आना है, तो लास्ट टू स्टिच है ये, वन एंड टू, तो यहाँ तक आएंगे बनाते पहले, तो वन वन टू थ्री फोर फाइव बना के पहले कंप्लीट करेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव बना के कंप्लीट किया। यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना है, डबल क्रोशेट है,
आपकी टू स्टिचेस हैं, वन एंड टू। ये देखिए वन चैन स्पेस यहाँ पे है, अगर नहीं समझ में आए तो आप मार्कर लगा लें, तो वन एंड टू स्टिच है ये। तब यहाँ पे बनाएंगे, फर्स्ट हमें यहाँ पे बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फाइव डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, चैन वन, चैन वन लिया। अब देखिए इस साइड से आएंगे टर्न होते हुए, अब हमें ये स्टिच है यहाँ से उठाएंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ से स्टिच है यहाँ से उठाएंगे फर्स्ट, ये देखिए उठाई हमने बैक साइड से, ऐसे राउंड लेते हुए उठाना है। फिर हमें फाइव डबल क्रोशेट बनाने हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये देखो फाइव डबल क्रोशेट बनाए हमने। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी स्टिच बनकर रेडी हो गई। ये देखिए एक इस साइड है एंड एक इस साइड है। अब यहाँ से चैन वन लेंगे, अब यहाँ पे हमें अब फाइव बनानी है, अभी सिक्स है, अब फाइव बनानी है। जैसे सिक्स हमने बनाई थी वैसे ही हमें फिर एक यहाँ पे कम करनी है, डिक्रीज करनी है। तो फर्स्ट हमें स्टिच यहाँ से लेंगे, वन चैन लिया हमने, एक स्टिच यहाँ से लेंगे डबल क्रोशेट एंड वन, यहाँ पे इस पॉइंट में लेंगे, तो ये यहाँ पे हमारी एक स्टिच बनेगी, ये हमारे वन एंड टू डबल क्रोशेट है, एक स्टिच अब यहाँ पे बनेगी। तो वन चैन वन, नेक्स्ट लेंगे डबल क्रोशेट, चैन वन, नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे वन एंड टू डबल क्रोशेट, चैन वन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, चैन वन, नेक्स्ट टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, चैन वन। लास्ट में बस ध्यान देना है इस पॉइंट को, चैन वन डबल क्रोशेट, फिर से एक बार ध्यान से देखें, चैन वन टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, चैन वन, वन डबल क्रोशेट, चैन वन। कितनी बन गई हमें, फाइव बनानी है। तो फर्स्ट यहाँ पे बनेगी वन, ये देखिए वन टू थ्री फोर, लास्ट फाइव बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे एक यहाँ पे लेंगे, ये देखिए स्लिप स्टिच का डबल क्रोशेट है, इस साइड से हमने स्लिप स्टिच लिया था, यहाँ पे लेंगे डबल क्रोशेट वन एंड वन डबल क्रोशेट हमें इस पॉइंट में लेना है, यह है, ये देखिए राउंड है सर्कल का, यहाँ पे लेंगे तो वन डबल क्रोशेट यहाँ पे लेंगे, तो एक स्टिच यहाँ पे वी स्टिच बन गई, तो यहाँ पे ये फाइव बनेगा यहाँ पे। तो देखिए वन, यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव, पहले सिक्स थे, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू, ऐसे बनाते हुए डिक्रीज करते हुए हमें आना है, सेम जैसे अभी बताया मैंने, फर्स्ट लास्ट में ध्यान देना है तो क्लियर बनेगा। अब हम यहाँ से फिर से फैन बनाना स्टार्ट करेंगे अपने, तो ये बना के पहले हम टू तक कंप्लीट करेंगे, फाइव फोर थ्री टू बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए डिक्रीज करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में टू, वन एंड टू हैं, तो लास्ट में टू हमें और बनानी है, सेम टू और बनाएंगे अभी, तो सेम स्टिच ही बनानी है हमें, इसी पॉइंट पे बनाएंगे वन स्टिच यहाँ पे, चैन वन, एंड इसी पॉइंट पे बनाएंगे डबल क्रोशेट वन एंड टू, चैन वन। अब ये डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हमें वन डबल क्रोशेट लेना है, चैन वन, नेक्स्ट इसी पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशेट वन एंड टू। अब वर्क को टर्न करेंगे, तो देखिए वन और टू सेम बनाएंगे यहाँ पे, थ्री चैन, थ्री चैन लेंगे, पहले ये टू डबल क्रोशेट है यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे बनाएंगे एक यहाँ से,
ये वन डबल क्रोशेट है, वन टू थ्री फोर फाइव, चैन वन, यहाँ से घुमाते हुए आएंगे, राउंड लेते हुए आएंगे इस साइड, यहाँ पे बनाएंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव, चैन वन, सॉरी स्लिप स्टिच, ये डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना है एंड सेम स्टिच यहाँ पे भी बनानी है, वी स्टिच है, टू डबल क्रोशेट है, सेम बनाएंगे फाइव डबल क्रोशेट, ये बना के हम कंप्लीट करेंगे, फाइव डबल क्रोशेट वन चैन एंड राउंड लेते हुए फाइव डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो हमने कंप्लीट किया बना के, अब यहाँ से नेक का शेप देंगे ऊपर के लिए, थ्री चैन लेंगे बैक साइड से, तो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है, सेम इसी स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट वन, तो थ्री चैन भी काउंट करेंगे तो वन टू डबल क्रोशेट, थ्री डबल क्रोशेट थ्री, अब यहाँ पे बनाएंगे फोर एंड फाइव, इस पॉइंट पे बनाएंगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, टोटल ट्वेल्व डबल क्रोशेट बनाए हमने थ्री चैन, वर्क रन करेंगे। अब यहाँ पे इस रो को इंक्रीज करेंगे तो सेम स्टिच में ही बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशेट वन, तो यहाँ पे हमारा वन इंक्रीज हुआ डबल क्रोशेट वन, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे हर एक स्टिच में, डबल क्रोशेट बनाएंगे लास्ट तक आएंगे लास्ट स्टिच में, तो कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाए हमने हर एक स्टिच में, लास्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे टू डबल क्रोशेट बनाएंगे वन एंड टू, टोटल 14 डबल क्रोशेट बनाए हमने फर्स्ट रो में, 12 14 थ्री चैन वन टू थ्री, थ्री चैन। अब यहाँ पे हमें अब शेप देना है, राउंड शेप देना है, तो ये तो फर्स्ट डबल क्रोशेट है, नेक्स्ट स्टिच में लेंगे डबल क्रोशेट वन बट टू लूप से निकालेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट वन बट टू लूप से निकालेंगे, थ्री लूप है एक साथ निकालेंगे, डबल क्रोशेट लेंगे हर एक स्टिच में, हर एक स्टिच में डबल क्रोशेट लेते हुए लास्ट टू स्टिच तक आएंगे वन टू, लास्ट की ये टू स्टिच है, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे वन डबल क्रोशेट लेंगे बट टू लूप से निकालेंगे, नेक्स्ट स्टिच है वन टू थ्री चैन है, थर्ड चैन से लेंगे डबल क्रोशेट टू लूप से निकालेंगे, थ्री लूप एक साथ, थ्री चैन, वर्क को टर्न करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है, नेक्स्ट स्टिच लेंगे, ये नेक्स्ट स्टिच है डबल क्रोशेट लेंगे वन बट टू लूप से निकालेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट टू लूप से निकालेंगे, थ्री लूप एक साथ लेंगे,
तो ये देखिए यहाँ से राउंड शेप बनता जा रहा है। सेम बनाना है हमें, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे, लास्ट टू स्टिच तक आएंगे। वन, तो ये हमारा वन डबल क्रोशेट है। यहाँ पे हमने ये देखिए वन टू थ्री है, थ्री लूप निकाले थे, तो ये हमारा वन डबल क्रोशेट था। तो लास्ट टू स्टिच तक आएंगे, वन टू यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। तो लास्ट की टू स्टिच हैं, डबल क्रोशेट लेंगे बट टू लूप से निकालेंगे। एंड ये लास्ट में यहाँ पे ये लास्ट स्टिच से ही लेंगे, टू लूप से निकालेंगे, थ्री लूप एक साथ लेंगे। तो टोटल है हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड ये हमारी एट स्टिच है। चैन वन वर्क को टर्न करेंगे, कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट लेते हुए हर एक स्टिच में एट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट स्टिच बना के रेडी किए हमने। अब हम सेंटर में कलगी बनाएंगे, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये हेड बनकर रेडी हो गया। यहाँ से तो हमने एट सिंगल क्रोशेट बनाए, वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें फाइव तक आना, तो यहाँ से टू स्टिच वन एंड टू स्लिप स्टिच लेंगे, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच लेंगे, क्योंकि हमें फाइव कलगी बनानी, तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे टू स्टिच थे, वन और अब यहाँ से बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन चैन ली हमने, नेक्स्ट चैन से लेना है स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच लिया, हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच लेते हुए लास्ट वन चैन तक आना है। वन चैन तक आ गए, यहाँ पे लास्ट में नेक्स्ट स्टिच आएंगे, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन की बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे, कंटिन्यू स्लिप स्टिच लेते हुए आएंगे, फिर यहाँ सेंटर में आएंगे। तो टू कलगी बनकर रेडी हो गई। अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे। अब सेंटर की बनानी है, तो सेंटर में हमें नाइन स्टिच लेनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन लेना है, सॉरी एट लेंगे, ये एट ली हमने। और कंटिन्यू सेम बनाना है हमें, स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ तक आएंगे, उसके बाद हम ये टू और बनाएंगे, सेवन सेवन की बना के पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बना के कंप्लीट किया, लास्ट में सेम स्टिच में ही हमें स्लिप स्टिच लेना है एंड ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच लेंगे, एंड यहीं से वूल को कट कर देंगे। कट किया हमने, बैक साइड से इनका ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीकॉक की बॉडी बनाकर कंप्लीट की। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आईज एंड माउथ बनाएंगे।